इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम विभिन्न बाजारों के बीच क्या क्या अंतर होता है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में विभिन्न बाजारों में क्या क्या अंतर है उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में क्या अंतर है उसको जानेंगे। उसके बाद एकाधिकारी तथा एकाधिकार में क्या अंतर है उस पर चर्चा करेंगे और अंत में मांग वक्रों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पूर्ण, अपूर्ण तथा एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता, इन तीनों में क्या क्या अंतर है उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता देखते हैं। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत अधिक होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेताओं की संख्या कम होती है और एकाधिकार में क्रेता अधिक और विक्रेता केवल एक होता है जिसका पूरा बाजार पे नियंत्रण रहता है। क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता और एकाधिकार प्रतियोगिता में भी क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं में एक रूपता होती है, अर्थात एक ही प्रकार की वस्तुएं बाजार में देखने को मिलती हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं में विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बाजार में दिखाई देती हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता में वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता, अर्थात एकाधिकार में विक्रेता केवल ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिससे मिलती जुलती कोई वस्तु बाजार में उपलब्ध ना हो। उत्पादन के जो साधन होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में गतिशील होते हैं, उत्पादन के साधन अपूर्ण प्रतियोगिता में गतिशील नहीं होते और एकाधिकार प्रतियोगिता में भी गतिशील नहीं होते। विक्रेताओं का मूल्य पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहता क्योंकि यहां पर विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य पर आंशिक नियंत्रण रहता है और एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रेताओं का मूल्य पर पूरा नियंत्रण रहता है क्योंकि इसमें एक ही विक्रेता होता है। बाजार में गैर कीमत प्रतियोगिता इसमें नहीं पाई जाती है। बाजार में गैर कीमत प्रतियोगिता यहाँ पे पाई जाती है और बाजार में गैर कीमत प्रतियोगिता एकाधिकार में भी पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजारों में फर्मों का प्रवेश व बाजार छोड़कर जाना आसान होता है। बाजारों में फर्मों का प्रवेश व बाजार छोड़कर जाना कठिन होता है और एकाधिकार में तो फर्मों का बाजार में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है, अर्थात किसी को भी मार्केट में नई फर्म को एंट्री करने की आज्ञा नहीं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता, इसमें एक फर्म के लिए मांग रेखा या औसत रेखा पूर्णता लोचदार अर्थात पड़ी हुई रेखा होती है। इसका चित्र रेखा चित्र हम इस प्रकार देखते हैं। इसमें AR बराबर MR है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी वस्तुएं एक समान कीमत पर बेची जाती हैं, इसलिए औसत आय तथा सीमांत आय आपस में बराबर रहते हैं। ये आपस में बराबर है यहां पर और AR, MR, OX रेखा के समांतर होता है जबकि वस्तुएं OP कीमत पर बेची जाती हैं। तो इसका सूत्र ED बराबर 1 होगा। अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए मांग रेखा पूर्णता लोचदार से कम अर्थात बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। इसका रेखाचित्र इस प्रकार बनेगा जिसमें AR और MR दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों नीचे की ओर गिरती हुई हैं, लेकिन औसत आय की तुलना में सीमांत आय ज्यादा तेजी से नीचे को गिर रही है। तो यहां पर ED
लेस देन वन इसका सूत्र होगा। एकाधिकार, इसमें एक फर्म के लिए मांग रेखा पूर्णतः लोजदार से कम अर्थात बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होगी। इसका रेखा चित्र इस प्रकार बनेगा। एकाधिकार वस्तु की अधिक मात्रा केवल तभी बेच सकता है यदि वह इसकी कीमत कम करता है, इसलिए मांग वक्र सदा ऋणात्मक ढाल वाली बाएं से दाएं और झुकी हुई रेखा बनेगी। ये ऊपर से नीचे झुकी हुई ऋणात्मक रेखा होगी जिसमें MR AR से ज्यादा नीचे की ओर झुका हुआ होगा। ऋणात्मक ढाल इसलिए इसमें ज्यादा बनता है क्योंकि एकाधिकारी वस्तु का कोई प्रतिस्थापन नहीं होता। तो आप लोगों ने देखा कि इसका जो सूत्र है वो ED ग्रेटर देन वन होगा। तो आपने पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार तीनों प्रतियोगिताओं का तुलनात्मक अध्ययन यहां पे हमने किया और इसे हमने रेखा चित्र के माध्यम से भी आपको अच्छे तरीके से इसमें समझाया है। एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या अंतर है, उनकी हम एक एक विशेषताओं के बारे में यहां पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एकाधिकारी के बारे में पढ़ते हैं। एकाधिकारी में क्रेता विक्रेताओं की संख्या कम होती है। एकाधिकार में क्रेता अधिक और विक्रेता केवल एक ही होता है, अर्थात वस्तु का उत्पादन करता केवल एक व्यक्ति होता है। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता। इसमें भी बाजार में क्रेता विक्रेताओं को पूरा ज्ञान नहीं होता है। वस्तुओं में विभेद पाई जाती, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वस्तुओं में विभिन्नता नहीं पाई जाती क्योंकि एक ही उत्पादक होता है, इसलिए वो एक ही प्रकार की वस्तु बनाता है। विक्रेताओं का मूल्य पर आंशिक नियंत्रण होता है। विक्रेताओं का मूल्य पर पूर्ण नियंत्रण होता है क्योंकि एक ही उत्पादक है तो उसका पूरा मूल्य पर नियंत्रण होता है। बाजारों में फर्म के प्रवेश की स्वतंत्रता होती है, कोई फर्म बाजार में आ जा सकती है, लेकिन एकाधिकार में बाजार में फर्मों का प्रतिबंध प्रवेश पूरी तरह से बंद होता है, कोई भी फर्म बाजार में अंदर इंटर नहीं कर पाती है। फर्म स्वयं कीमत का निर्धारण करती है। फर्म का वस्तु की कीमत पर पूरा नियंत्रण होता है क्योंकि एक ही उत्पादक होता है और उसी की वस्तुएं बाजार में प्रचलित होती हैं, इसलिए उसका कीमत पर पूरा नियंत्रण होता है। विक्रय लागतें इसमें पाई जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। विक्रय लागतें बहुत कम पाई जाती हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ना के बराबर होती है क्योंकि एक ही वस्तु होती है, इसलिए उत्पादक उसका अधिक मात्रा में एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, प्रचार प्रसार नहीं करता। एकाधिकारी प्रतियोगिता में रेखा चित्र इस प्रकार बनेगी। एकाधिकारी प्रतियोगिता में मांग वक्र की प्रकृति में मांग वक्र अधिक लोचशील होता है क्योंकि बाजार में वस्तु के अधिक निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ऐसी वस्तुओं की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन भी बड़ी संख्या में क्रेताओं को आकर्षित कर लेता है। इससे AR तथा MR ऋणात्मक ढाल वाली वक्र बनती हैं। जैसे आप देख रहे हो चित्र में दोनों ऊपर से नीचे को गिर रही हैं, तो ये ऋणात्मक ढाल है। इसमें वस्तुओं की कीमत में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन भी मांग में बहुत बड़ा अंतर लाता है। रेखा चित्र में आप देख रहे हैं यहां पर AR तथा MR वक्र दोनों नीचे की ओर हैं, जो अधिक लोचशील है। यदि इस दिशा में उत्पादक वस्तु की अधिक बिक्री करना चाहता है तो इसी कीमत को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो इसका जो समीकरण है वो ED ग्रेटर देन वन है। ये तुम्हारा एकाधिकारी का रेखा चित्र है। एकाधिकार का रेखाचित्र इस प्रकार बनेगा।
एकाधिकार वस्तु की अधिक मात्रा केवल तभी बेच सकता है यदि वह इसकी कीमत कम करता हो। इसलिए मांग वक्र सदा ऋणात्मक ढाल वाली बाएं से दाएं और झुकी हुई होती है। इसमें भी रेखा चित्र देख रहे हो आप, ये भी ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई है, ये ऊपर से नीचे की ओर झुक रखी है। इसकी ऋणात्मक ढाल इसलिए होती है क्योंकि एकाधिकार वस्तु का कोई प्रतिस्थापन नहीं होता और सीमांत आय औसत आय की तुलना में अधिक नीचे होती है और यह एकाधिकारी के तुलना में कम लोचसिद्ध होती है। तो आपने देखा कि दोनों में रेखा चित्र में क्या अंतर है, एकाधिकारी में और एकाधिकार प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी तथा एकाधिकार प्रतियोगिता में तुलनात्मक अध्ययन हम रेखा चित्र के माध्यम से करेंगे। मांग वक्रों का तुलनात्मक अध्ययन, सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता को लेते हैं। इसमें वस्तु की बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं जो एक विशेष कीमत पर अपनी समरूप वस्तुएं बेच रहे होते हैं। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में समतल वाली रेखा डीडी वन होगी। ये जो रेखा है डीडी वन, ये पूर्ण प्रतियोगिता की रेखा होगी। ये जो आप देख रहे डीडी वन, ये यहां से लेके यहां तक जो रेखा है समतल रेखा है जो ओ एक्स के समांतर है। इसमें ए आर और एम आर दोनों बराबर होंगे, वो पूर्ण प्रतियोगिता वाली रेखा कहलाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता को कीमत स्वीकार्य होती है ना कि कीमत निर्धारण, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है जिसके कारण उसे कीमत स्वीकार करनी होती है, वो अपनी मर्जी से कीमत का निर्धारण नहीं कर सकते। तो यही सबसे बड़ा पूर्ण प्रतियोगिता में कारण है। एकाधिकार, एकाधिकार बाजार में मांग वक्र कम लोचशीलता वाली ऋणात्मक ढाल होती है। इसका कारण बाजार में वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती है जो उसके समकक्ष हो। एकाधिकार बाजार में पूर्ण मांग वक्र कम लोचशीलता ऋणात्मक ढाल वाली रेखा डीडी थ्री होगी। रेखा चित्र में देखिए आप, डीडी थ्री ये रेखा है जो एकाधिकार की होगी, अर्थात ये रेखा पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में नीचे की ओर इसका ढाल होता है, ऋणात्मक ढाल होता है इसका। ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये ऋणात्मक ढाल बना रही है, तो इसको हम बोलेंगे एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता ऋणात्मक ढाल वाली होती है और अधिक लोचशील होती है। इसका कारण बाजार में वस्तु के निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध होते हैं, अर्थात कई सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो बाजार में आसानी से उपलब्ध होती हैं। उत्पादक वस्तु की कीमत में बहुत थोड़ा परिवर्तन लाकर क्रेताओं की बड़ी संख्या में अपनी ओर उनको आकर्षित कर सकता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र अधिक लोचशील ऋणात्मक ढाल वाली रेखा डीडी टू होगी। ये जो रेखा है डीडी टू ये होगी, इसको बोलेंगे हम एकाधिकारी, और ये रेखा एकाधिकार से ऊपर होगी थोड़ा, लेकिन इसका ढाल भी ऋणात्मक होगा नीचे की ओर पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में। तो आप लोगों ने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी तथा एकाधिकार में मांग वक्रों का तुलनात्मक अध्ययन कैसे होता है। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को
दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।